नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम दिल को दहला देने वाली खबरें। नाबालिग लड़की से गैंगरेप, दो महिलाओं समेत 6 लोगों को आजीवन कारावास। कलयुगी बाप ने बेटी को भांग खिलाकर किया बलात्कार। अवैध संबंध की आशंका में पत्नी बेटी की गला मार घोटकर हत्या, आरोपी ने फांसी लगाकर खुदकुशी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नाबालिग लड़की से गैंगरेप में दो महिलाओं समेत 6 लोगों को आजीवन कारावास। जिया गाजियाबाद की एक अदालत ने गैंगरेप के एक मामले में दो महिलाओं समेत 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी महिलाओं के साथ मेला देखने जा रही नाबालिग के साथ साथ 4 युवकों ने घटना को अंजाम दिया था। जिया मामला धौलाना थाना क्षेत्र का है। दो महिलाओं के साथ उस मेला देखने जा रही लड़की के साथ 27 अप्रैल 2007 को गैंगरेप की घटना हुई थी। पीड़िता के भाई ने 4 युवक को कलुआ आसिफ अखर व शाह फैजल समेत साजिश में शामिल दोनों महिलाओं विमला एवं पिंकी को भी नामजद कराते हुए धौलाना थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। जी हाँ, इस मामले की सुनवाई सोमवार को SC ST कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हीरालाल की अदालत में हुई। जी हाँ, अदालत ने पुख्ता साक्ष्य एवं गवाही के आधार पर नाबालिग लड़की से गैंगरेप में शामिल सभी 6 अभियुक्तों को दोषी ठहराया। अदालत की अभियोजक अधिकारी शैली भारद्वाज एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रजनीकांता ने बताया कि अदालत ने गंभीर अपराध में शामिल सभी अभियुक्तों कलवा आसिफ अखर शाह फैजल विमला और पिंकी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। जी हां, चारों अभियुक्तों को 25,000 रुपए का अर्थदंड, सामूहिक बलात्कार में शामिल चारों अभियुक्तों को 25,000 रुपए का अर्थदंड सुनाया। जबकि मेला देखने के लिए साथ ले जा रही दोनों महिलाओं को साजिश में शामिल होने पर आजीवन कारावास के साथ 10,000 रुपए का अर्थदंड सुनाया। जी हां, अदालत ने अभियुक्तों से प्राप्त अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को देने की आदेश दिए। बेटी को भांग खिलाकर कलयुगी बाप ने रात भर किया बलात्कार। जी हां, बिहार के कैमूर जिले से पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते को तार तार करना का मामला प्रकाश में आया है। रायगढ़ थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले एक गांव में हैवान पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को भांग की गोली खिलाई और फिर उसके साथ बलात्कार किया। जी हां, पीड़िता ने डरते हुए पुलिस से मदद की गुहार लगाई। आरोपी कुछ महीने पहले ही एक मामले में जेल से छूटकर आया था। शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी पिता को अरेस्ट कर लिया। रिपोर्ट के अनुसार ये वारदात रविवार यानी 12 मार्च देर रात की बताई जा रही है। जी हां, जनवरी जानकारी के अनुसार पीड़िता को उसके पिता ने धोखे से रात में भांग की गोली खिला दी। नशीले पदार्थ का सेवन करने से पीड़िता को होश नहीं रहा। इसका फायदा उठाकर पिता ने उसके साथ रात भर दुष्कर्म किया। जब पीड़िता की नींद टूटी तो उसे बलात्कार का पता चला। जी हां, पीड़िता डरे सहमे और किसी तरह छिपके छिपाते पुलिस के पास पहुंची और पूरी घटना बताई। पुलिस ने फौरन केस दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया। इसके बाद आरोपी पिता को अरेस्ट कर लिया। रामगढ़ थाना अध्यक्ष रामकल्याण यादव ने बताया कि कुछ महीने पहले ही आरोपी आमर्स एक्ट के एक मामले में जेल से छूटकर बाहर आया था। जी हां, वो आपराधिक प्रवृत्ति का शख्स है। पहले भी आधा दर्जन मामलों में जेल जा चुका है। अवैध संबंध की आशंका में पत्नी बेटी की गला घोटकर हत्या, आरोपी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। जी हां, जिले के बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के सेमरदाह गांव में पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या करने के बाद फरार पिता ने भी गांव से सटे जलगांव में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जी हां, सोमवार को दोहरे हत्याकांड के बाद से पुलिस की टीम तीनों आरोपियों का तलाश कर रही थी। बेटी का दूसरा बिरादरी के युवक के साथ अवैध संबंध के चलते हुए एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ। जी हां, जनपद के सेमरदा निवासी नंद किशोर त्रिपाठी ने सोमवार को दोपहर अपनी पत्नी प्रमिला व बेटी खुशी की लाइफ से लाइसेंस बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी और गला दबा दिया। इसके बाद वो बंदूक व अपना मोबाइल पर छोड़कर मौके से फरार हो गया था। गांव वाले बताते हैं कि घर से जाते समय
वो एक रस्सी अपने साथ ले गया था। जी हाँ, इससे उन्होंने अनहोनी की आशंका जाहिर की जाने लगी थी। जी हाँ, अपर पुलिस अधीक्षक चक्रमणि पनी त्रिपाठी के निर्देश पर गठित तीन टीम घटना के बाद से आरोपी की तलाश कर रही थी। देर रात तक बहिलपुर वाम से लगे आसपास के इलाके में उसकी तलाश की गई थी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वही मंगलवार की सुबह रोमरदाह गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर पिपरौंडी के जंगल में नंदकिशोर त्रिपाठी का शव फंदे से पेड़ से के सहारे लटका मिला। जी हाँ, ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मां बेटी की मौत के बाद अब नंदकिशोर ने खुदकुशी से पूरे परिवार को कोहराम मचा है। इस मामले में जिले के अपर पुलिस अधीक्षक चक्र पानी त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार को बताया कि पत्नी बेटी की हत्या में फरार आरोपी नंदकिशोर त्रिपाठी का सुबह करीब 8:30 बजे शव गांव में से लगभग 3 किलोमीटर दूर पिपरौड़ी के जंगल में पेड़ से लटकाया बरामद हुआ। जी हां, शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भिजवा दिया गया है। साथ ही घटना की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS News।